नाउ वी मूविंग ऑन टू फन वर्ड एंड उसमें मैं आपसे कोई भी रैंडम सवाल पूछूंगा और आपको उसके फनी जवाब देने हैं, ठीक है? जस्ट लाइक अवर शो नेम इज मस्ती, अगर अच्छा गाना अगर गुनाह होता तो कौन से सिंगर के साथ अरेस्ट होना चाहेंगी? मैं तो लता जी के साथ होना चाहती थी फिर तो. और कौन से एक्टर के साथ? सलमान भाई, ऑफ कोर्स, आई नो हिम वेरी नाइसली. सो पायल देव फीमेल हीरोइंस को आवाज देती हैं, है ना? मगर पायल देव अगर एक्टिंग कर रही है तो आपको क्या लगता है कौन आपको आवाज दे सकता है? कोई नई अच्छी आवाज आ जाए, मीठी सी. दुनिया का अगर आखिरी दिन होता तो पायल देव क्या करती? अभी से लिस्ट बनाना शुरू करना पड़ेगा. वैसे तो अगर मैं क्या करती, मैं तो मेरी फैमिली के साथ ही रहना चाहती. या अगले जन्म में कौन से सिंगर के रूप में जन्म लेना चाहोगी? अगले जन्म में ना मैं सिंगर प्लस एक्टर भी के रूप में भी जन्म लेना चाहूंगी. ऑलराउंडर. हाँ. अगर कुछ ऐसा भगवान हाँ. बना दे, अगर सुन रहे होंगे वो तो. एंड वैसे भी बिहार के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं. मुझे तो लगता है कि अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम देंगे तो भी क्लियर कर देंगे. नहीं, बिल्कुल नहीं. स्टडीज में मैं बहुत खराब थी, सॉरी टू से इट लाइक सबके सामने, बट यस. अच्छा हुआ मैं म्यूजिक कर रही हूँ, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर रही होती. क्या मेरा एक्चुअली अगला सवाल भी यही था. हाँ. पायल देव सिंगर नहीं होती तो क्या होती? पता नहीं मैं क्या होती. मेरे ख्याल से मे बी हाउसवाइफ होती, क्योंकि स्टडीज में आई वाज रियली नॉट गुड. मतलब मुझे थोड़ा ऐसा फील होता था कि लाइक इट्स क्वाइट बोरिंग, यू नो. किताबें लेके पढ़ते रहो एंड उसके बाद एग्जाम्स. तो एग्जाम्स के टाइम पे तो और ज्यादा टेंशन होता था, यू नो. तो वैसे मैंने म्यूजिक के एग्जाम्स, मैंने जब मैं 10th में थी ना, तब मैंने क्लासिकल म्यूजिक जो है शास्त्रीय संगीत में, मैंने ग्रेजुएशन तब ही कर लिया था. सो उसमें कुछ आई थिंक एज लिमिट नहीं होता. मतलब आप पढ़ने में तो अच्छी थी, मगर अपनी चॉइस की पढ़ाई. हाँ हाँ, पर मैं खुश थी. एंड उसके बाद मैंने फिर म्यूजिक को लेके ही पढ़ाई की, क्योंकि मुझे लगा कि शायद क्या आप दो नाव पे पैर तो नहीं रख सकते, तो एक ही डिसाइड कर लो. तो वैसा. एंड बहुत सारे मीम्स बनते हैं एक्टर सिंगर्स के बारे में. आपने अपने बारे में कोई फनी मीम या सब जोक सुना हो? नहीं, मैं तो नहीं सुना. अभी तक तो नहीं सुना है. बट ऐसा अब क्या बन सकता है, यू नो. आई एम नॉट क्या बनाएंगे, यू नो. आई विल बी लव टू सी इट. अगर कुछ बनता है आपको दिया है, अब आप कुछ मीम बनाइए या कुछ ऐसा. मैं देखना चाहूंगी क्या बनता है. I really wanted to. अक्सर एक्टर सिंगर्स भागते हैं, मगर यहाँ पे आपको एक ओपन चैलेंज दिया गया टू मेक समथिंग ऑन पायल एक्सक्लूसिवली ऑन चैनल मस्ती. सो आपके सुपर हिट गाने में तुम ही आना. मैं आप किसको बुला रही थी वैसे? मैं किसी को बुला नहीं रही थी, बस कुणाल भाई ने इतने अच्छे शब्द लिख दिए. एंड एक्चुअली मैंने उनको ट्यून बताया, साथ साथ उन्होंने लिख दिया. इट वॉज वेरी फास्ट. तुम ही आना 1.5 घंटे में बना है एंटायर सॉन्ग. जुबिन ने भी जो फर्स्ट ड्राफ्ट डब किया था वही है, नो चेंजेस. सब कुछ बहुत फास्ट हुआ था. एंड तुम ही आना ऐसे सोचा नहीं था, यू नो. बट लिरिकली बहुत ज्यादा वो अटैक कर रहा था उस टाइम पे, कि कुछ बहुत अमेजिंग है. बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना. क्या बात, बहुत अच्छा. वैसे पता है किसको बुला रही थी तुम ही आना में? सुपर हिट को. हाँ, ये कह सकते हो आप. चलो. Yes, we were expecting such kind of answer. किस सिंगर की आवाज चुराना चाहेंगी आप? फिलहाल तो मैं अपनी आवाज से खुश हूँ. पर चुराना नहीं चाहूंगी. अगर उसका कुछ इंस्पिरेशन या थोड़े कुछ हिस्से आ जाए, तो लता जी का अगर कुछ हिस्सा आ जाए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी. बहुत खुश. मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी. एक चीज जो हमेशा आपको रुलाती है? प्यास. हाँ. ओके. एक चीज जो आपको कभी समझ नहीं आती है? सच बोलूं तो कभी कभार लोग समझ नहीं आते मुझे. कभी कुछ और फेसेस देखती हूँ उनके, कभी कुछ और देखती हूँ. मतलब टाइम टू टाइम दे आर चेंजिंग. सो या वो नहीं समझ में आता मुझे. अदरवाइज एवरीथिंग. बिकॉज़ आप इतने स्वीट भोले हैं. अब मैं तो वैसी हूँ. आप भोले हैं. मैं जैसी थी वैसी हूँ. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि मैं वैसी हूँ एंड मैं वैसी ही रहूंगी. क्या बात है. इन वन वर्ड पायल देव कौन है? भोलेनाथ की भक्त हूँ. क्या बात, ये कह सकते हैं. पायल देव के देव कौन है हमें तो पता है अब. हाँ, मेरे तो देव आदित्य देव. आदित्य देव है. वेरी नाइस. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू रिडल्स. ठीक है, कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे आपसे जिसके आपको जवाब देने हैं. ओके, तो शुरुआत करते हैं. ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? आग. यस, राइट. वैसे इसका और भी एक बेटर जवाब था, प्यास. प्यास. ओह, ये भी अच्छा था. कौन सी ऐसी चीज है जो बढ़ती रहती है मगर कम नहीं? एज.
क्या बात है, मतलब आप, मुझे लगता है कि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मतलब बिकॉज कई बार सिंपल आंसर्स भी आर्टिस्ट पहचान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड में भी पिघलती है? आइस। आइस पिघल जाएगी आप ठंड में, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, यू नो आप, बट बहुत ठंड है तो सॉरी ये नहीं बता सकते, ये नजर लग गई आपकी, मैं अच्छा खासा बता रही थी आपको। मोमबत्ती। मोमबत्ती, ओके। कोई ऐसी चीज जिसको हम हमेशा काट सकते हैं मगर उसके टुकड़े नहीं कर सकते? काटते हैं पर टुकड़े नहीं कर सकते। इसकी मैं हिंट भी नहीं दे सकता बिकॉज बहुत कुछ तो कोई तो मतलब कुछ तो दूर दूर से कोई हिंट। वही जो आपका बहुत अच्छा चल रहा है। पता नहीं, सॉरी पास। दैट्स समय। समय जो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, सुपर हिट समय चल रहा है। और किस रूम में दरवाजा और खिड़कियां नहीं होती? बाथरूम में नहीं होती है ना दरवाजा, बेडरूम में भी होती है, लिविंग रूम में भी होती है। थोड़ा इसके रूम के बाहर आना पड़ेगा आपको, ये अलग तरह का रूम है। अगर आप गेट बोलते तो समझ में आता, कहाँ गेट नहीं होता तो कोल गेट हो सकता है। आप इसको खाते हैं, इस रूम को खा भी सकते हो। रूम को खा सकते हैं। स्ट्रेंज, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस निकाले आपने, वैसे अच्छे वाले, इजी येट डिफिकल्ट टू क्रैक। पायल सोच रही है इतने अच्छे जवाब, इतने अच्छे अगर मैंने आंसर्स दिए होते तो मैं तो यूपीएससी क्लियर कर लेती। हाँ, एक्चुअली तो देखो नहीं कि आप बता दो मुझे। चलो ओके, दैट्स मशरूम। मशरूम, ओके 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 ओके।